तो देखा वो पहले से घात लगा के वहाँ पर खड़े थे, जी तो खड़े थे तो ये तो पहले पूरा संघर्ष किया है, जब उन लोगों को मोबाइल नहीं मिला है तब गोली तो, मारे, तब उसी क्रम में वो लोग गोली मारे हैं। 3 राउंड गोली चला, वो एक गोली लगा, वो दो राउंड मिस कर गया। हाँ, 2 राउंड मिस कर गया है, 1 राउंड गोली पैर में लगी है। यानी बॉर्डर इलाका है महाराजगंज और गोरियाकोटी थाना का बॉर्डर इलाका है, जहाँ पे अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है और सेफ जोन बन चुका है अपराधियों को लेकर। सिवान के अभी उसी परिवार के ठीक साथ मौजूद है जहाँ पे कल वेखाव पर अपराधियों ने लूट के दौरान एक युवक गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पूरी घटना क्या कुछ घटी हुई थी, क्या आपके जो लड़के हैं क्या कुछ घटना घटी हुई थी कल? सर कल वह गया था मेरा लड़का, मतलब वहाँ पर कुछ सामान आने के लिए जी, तो वहाँ पर गया तो वह मोहानी के पास, वहाँ पर उन लोगों ने मतलब कि मोबाइल छीनने के दौरान में उन लोगों ने गोली मार दिया। अच्छा। गोली मारा, वो लड़का बेहोशी हालत में जाकर आगे अगला मोड़ पर जाकर गिर पड़ा जी। फिर वहाँ पर कोई खबर दिया कि हाँ ऐसा घटना हो गया है, तो यहाँ से पूरा परिवार पहुँच गया गाड़ी लेकर, तब तो वहाँ से पटना रेफर, सिवान रेफर हुआ, सिवान ने रेफर कर दिया पटना PMC में। ये घटना कब घटी हुई? कल से 7:30 और 8 के बीच में, 8 बजे मतलब 8 बजे, मतलब किसी काम के लिए गए हुए थे उधर मार्केट में। हाँ, मार्केट में तो अंडा का विमान सामान खरीदने के लिए गए थे, अंडा खरीदने के लिए गए तो वहाँ पर अंडा बिकता है जी। ये तो बात लूट के दौरान घटना घटी हुई है। हाँ, मतलब मोबाइल छीनने के दौरान में। अब स्थिति क्या है, बातचीत हुआ है, स्थिति क्या है, ठीक ठाक है अभी? अभी ठीक है सर, अभी स्टील लगाने के डॉक्टर बोले हैं वहाँ पर जी, तो हमारे विधायक जी जी 3 बजे रिपोर्ट आएगा। हमारे विधायक जी बोले कि मतलब ठीक है वहाँ पर चले जी, वहाँ पर हम सब कुछ हो जाएगा। मांग क्या कीजिए प्रशासन, जिस तरह लूट जैसी घटना को अंजाम देने के बाद गोली मारा गया है, प्रशासन से क्या मांग होगी इस घटना को लेकर? बोला कि चलो इंक्वायरी कीजिए क्या बात होगा, अपराधी को गिरफ्तारी हो जो भी इस घटना को दिया है। हाँ, मैंने मान लीजिए, मतलब मान लीजिए आप नहीं गिरफ्तार कीजिए सर जी, चाहे जैसे हो, कोई तो देखा नहीं है जो कौन कहाँ का पब्लिक है जी, वो तो अंधेरा के लाभ लेकर आपको भाग गया, लूट के दौरान मार के गोली फरार हो गया है। हो गया, यही तो बात है सर। लड़के चाचा हैं आप? हाँ, लड़के चाचा। क्या नाम था? कमलेश। हाँ, वो कमले, उसका नाम कमलेश, पिता का नाम सुंदर प्रसाद, मेरा नाम कैलाश प्रसाद। क्या चीज़, क्या घटना घटी हुई, क्या जानकारी मिली हुई थी कल आप लोग सदर अस्पताल में पहुंचे हुए थे? सदर अस्पताल तो यही हुआ कि वहां पर गए थे तो हम लोग वहां पर इलाज हुआ जी। इलाज के क्रम में यही हुआ कि वहां से मतलब कि जो थोड़ा बहुत जो करना था TTM वो लोग किए, और उसके बाद से वो लोग बोले कि आप लोग पटना लेके जाइए PMC में। हमारे पूर्व विधायक हेमनारायण जी भी वहाँ थे, वहीं बोले कि आप लोग प्राइवेट में नहीं ले जाइए, आप लोग लेके जाइए PMC पटना में लेके जाइए। मतलब घटना कैसे घटी है, लूट के दौरान गोली? हाँ, लूट के दौरान उसको मोबाइल छीन रहे थे लोग, साइकिल से जा रहा था अंडा खरीदने के लिए हुसैपुर, तो वहाँ पर ये अकेला था, लाइट फ्लैक्स जला के जा रहा था। तो स्थिति क्या है उनकी? ठीक स्थिति है कि वहाँ पर अभी हम फोन किए थे, हमारा लड़का है वहाँ पर, तो वो बोला कि खून जांच में जा रहा है और 3 बजे रिपोर्ट आएगा, 3 बजे रिपोर्ट आएगा, उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। कितने के संख्या में अपराधी थे? तीन थे। तीन बाइक सवार थे? हाँ, बाइक सवार, वो लड़का बोल रहा है कि 3 थे बाइक सवार। अच्छा, कल थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे, DSP साहब पहुंचे हुए थे, प्रशासन से क्या मांग होगी इस घटना को लेकर? प्रशासन से यही मांग होगी कि गांव के लोग एकजुटता होकर के अपराधी को पकड़े, और ये सिसई रिसोरा से लेकर सिसई के बीच में प्रशासन अपना कुछ व्यवस्था करे, पुलिस रखे या चौकीदार को लगाए, फिर यहाँ से लेकर के महामदा तक प्रशासन अपना ये व्यवस्था करे। ये जो अपाचे पर 112 वाला लोग घूमते हैं, उन लोगों को भी इस दौरान गश्ती करे, हाँ गश्ती करे, माने कि सुनसान इलाका है, बगीचा है आगे सुनसान, यहाँ पर बराबर घट सकता है। इसके पहले 4 महीने पहले भी एक लड़के को गोली मार दी गई थी यहीं बगीचे में। सिवान के अभी उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे बेखौफ अपराधियों ने कल लूट के दौरान एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। KFSL की टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई, उसकी भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें, और यहाँ पे महाराजगंज थाने की पुलिस है, वो भी दल बल के साथ यहाँ पे पहुंची हुई है। अब देखना होगा इस मामले में सिवान पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक इस घटना में शामिल अपराधियों के पास पहुंच पाती है।